महाराष्ट्र के सातारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 4,962 आवासों का निर्माण किया है। 4,962 परिवारों को इसका सीधा सीधा लाभ मिला है और वे आज काफी संतुष्ट हैं। हाँ सतारा, नमस्कार। ग्रामीण विकास योजना में सब लोग बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ सर, कि आपने हमका हक का तुम्ही आम्हाला हक्काचं घर दिलं साहेब, म्हणून सगळी खुश आहेत साहेब। जिथं जायचं तिथं नदीला राहायचं, ओढ्याला राहायचं साहेब, कुठं रेल्वेच्या चॅनलला राहायचो, आता कॅनलच्या कडेला राहिलो होतो सर। पण जिथपासनं तुम्ही आम्हाला हक्काचं घर दिलंय ना, असं समजतंय की आम्हाला गाई गरिबाला वरती काढलं मोदी सरकारने। असा इतका आनंद झालाय ना सर, कि भगवानच्या वरती आम्ही तुम्हाला पुजतो सर, इतका आनंद आहे आम्हाला। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। और कोई कुछ कहना चाहता है? मारून खात होतो सर। हाँ, नदीचे कडला। हाँ बोलो। माझं नाव नीता राजू पटोळे, राहणार धामनेर तालुका कोरेगाव जिल्हा सातारा। मला घरकुल भेटले 2017, 1.5 लाख रुपये भेटले घराचे, मला आनंद आहे। शौचालयचा वापर करतो, गॅस भेटला। मकान की क्वालिटी अच्छी है? हाँ। इस बार बारिश में पानी गिरा होगा? नहीं गिरा। नहीं आप मुझे बताते नहीं। अरे कोई भी बनाता है थोड़ा तो गिरता है, खुद का बनाता है तो भी गिरता है। नहीं। खैर इस बार बारिश थोड़ी कम हुई है ना महाराष्ट्र में। शौचालय बना है, आटा पक्का घर है ना, बच्चे पढ़ेंगे अब। हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है? हो। तो अब बच्चों की शादी करनी होगी तो नया मकान मिल गया तो जल्दी हो जाएगी शादी? देखिए मेरा सातारा से बड़ा विशेष नाता है। मेरे प्रारंभिक जीवन में जिनसे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वो लक्ष्मण राव जी इनामदार, जिनको हम वकील साहब कहते थे, वो सातारा के थे। पिछले वर्ष उनकी शताब्दी का वर्ष था और उनके पास मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मुझे आज सातारा के लोगों से मिलता हूँ तो स्वाभाविक लक्ष्मण राव जी की याद आती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।